नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतन और आप देख रहे रतन ब्लॉग्स। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये एक तरह का हमारा कैटरिंग ब्लॉग होने वाला है। बहुत दिनों बाद हम लोग कैटरिंग में आए हैं और आज हम लोग आए हैं सूचना भवन, जो कि गाइस कहाँ है, हावड़ा के जगाछा इलाके में है। मतलब कि इसका जो मैप लोकेशन होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस भवन के बारे में बता देता हूं। इस भवन में टोटल गाइस थर्ड फ्लोर है, मतलब तीन तल्ले हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद आपका सेकंड फ्लोर। शायद मैं सेकंड फ्लोर पर ही हूँ, मैं दो तल्ले पर हूँ। और यहीं पर गाइस हमारा बुफे काउंटर लगने वाला है। ये देखिए सारा बुफे का सामान आ चुका है और लगे हैं। तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का थोड़ा सा डिटेल व्यू दे देता हूँ और रात में दिखाऊँ किस प्रकार भवन सजा हुआ है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ थोड़ा देर के लिए नीचे के लिए। तो देख लो भाई, हम लोग आ चुके हैं सूचना भवन। यहाँ पर फिलहाल ऑलरेडी बंगला में लिखा गया है सूचना भवन। ये देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे, नहीं तो भाई मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। और ये रहा कुछ इस प्रकार बाहर से इसका व्यू। तो देखिए सामने एक गेट है ना, वहाँ से आपको दो सीढ़ी मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ नहीं उसके अंदर एक सीढ़ी है, उसके बाहर सीढ़ी है, मैं दिखाता हूँ। चलिए फिलहाल कैसे यहाँ एक बहुत ही अच्छा खासा चौड़ा रास्ता मिल जाता है, लगभग 20 फुट का ही रास्ता है। देखो इधर भी रास्ता है और उधर भी रास्ता है। तो हम फिलहाल ये जो रास्ता है मेन गेट है भवन का, मेन गेट यहाँ से सब लोग गेस्ट प्रवेश करते हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ फिलहाल स्टाफ लोग एंट्री है। साइकिल वाइकिल हम यहीं पर रखते हैं। देखिए यहाँ फिलहाल मेरी साइकिल भी खड़ी है आगे में। और यहाँ से हमारा जो क्या बोलते हैं बर्तन वर्तन धोने का कार्यक्रम इजीली हो जाता है। दिखा देता हूँ आपको एक और रास्ता है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। फिलहाल स्टाफ के जाने आने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना, तो ये वाला जो रास्ता है ये हमारे लिए है। देखिए यहाँ फिलहाल मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, इससे इस थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। मतलब ये जो सीढ़ी जाती है ऊपर की तरफ, ये पीछे की तरफ वाली सीढ़ी है और एक रूम है जो बंद रहता है और उधर किचन है, उसको भी थोड़ा देर में दिखाता हूँ। फिलहाल लगे ना थोड़ा बाहर चलता हूँ, बाहर जाकर जो मेन रास्ते से होते हैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। चलो गाइस फाइनली आ चुका हूँ बाहर की तरफ। यहाँ से मैं अंदर प्रवेश करता हूँ तो सामने की ओर गाइस एक बाथरूम दिख जाएगा आपको। तो चलो भाई चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ पर कुछ इस प्रकार माहौल है। चौंकर रास्ते तो पूरा हमारा किचन एरिया, यहाँ पर आराम से जो सिटिंग का कार्यक्रम होता है यहीं पर होता है। यहाँ पे भुक्कड़ आदमी खाना खाने के लिए तैयार है, फोकस किया जाए। हाँ यहाँ पर देखिए इतना आराम से सिटिंग कार्यक्रम हो जाता है। यहाँ पे एक बार देखा जाए तो 1600-1400 एक बार 50-60 आदमी आराम से खा सकते हैं। फिर हमारा स्टोर एरिया, यहाँ पे स्टोर होता है, मतलब खाना यहाँ सर्व होता है। हालांकि अंदर से भी सर्व हो सकता है, यहाँ से भी। मेरा किचन एरिया, किचन में किचन के अंदर स्टाफ के लिए एक बाथरूम दिया गया है, वहाँ पर देख पा रहे एक बाथरूम दिया गया है। और देखिए यहाँ पे खाना वाना ही बन रहा है हम लोगों का। अब गाइस चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। ये रहा गाइस फर्स्ट फ्लोर, मतलब थर्ड ग्राउंड फ्लोर का मेन एरिया, एक कोने में जो बाथरूम है यहाँ पर। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर कुछ इस प्रकार अभी यहाँ से मार्बल सीढ़ी चढ़नी हम लोगों को। और देखिए ऊपर से कुछ इस प्रकार का बालकनी एरिया है, मतलब जंगले जंगला लगा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा खासा एरिया है। यहाँ पर हमारा कॉफी काउंटर होगा। ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर, देखा जाए बालकनी एरिया। अब इसके अंदर जो होता है मेन कार्यक्रम होता है, देखिए यहाँ पर होगा, हो सकता है स्टेज स्टेज सब इधर ही कहीं बनेगा। हालांकि आपका अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ जब लोग आएंगे ना तो पूरी पूरी भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ कोई रूम वूम है कि नहीं भाई, ये तो फिलहाल पता नहीं, डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग, मतलब स्टाफ लोग अंदर बाहर आ सकते हैं। और इधर एक रूम है, हाँ एक रूम है अनिल, और इधर एक रूम है, देख लो एक रूम है, दो रूम, एक एक कौन सोया कौन है, ये तो भाई अपना लड़का लोग है। और इधर का इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मनुष्य लग रो मत करो रहने लो। और इधर का इसे एक वॉशरूम है जिसमें अनिल मूत रहा है। और ये यहाँ पर दो लेटरिंग है, दिखा देता हूँ। दोनों डीसी टॉयलेट है, एक वॉश बेसिन है। तब सीधा गाइस चलते थर्ड फ्लोर पे। तो ओवरऑल गाइस मैं बता दूं, इस भवन का जो रेंट है मुझे पता नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वंबर सब दे दूंगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस जगह में इंटरेस्ट है तो, अगर आपको भवन में इंटरेस्ट है तो। नॉर्मली चलते हैं ऊपर की तरफ, जिसके लिए हम लोग सीढ़ी यूज करेंगे, अपना स्टाफ वाला सीढ़ी यूज करेंगे, मार्बल वाला सीढ़ी ऊपर नहीं जाता है। लो भाई आ चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पर, जहां पर ऊपर काउंटर लगेगा। तो गाइस गेट से निकल के आपको दाहिने साइड में, यहाँ फिलहाल जैसे आप दाहिने साइड में आओगे मैंने इधर की तरफ, तो यहाँ आपको शायद तीन बेसिन मिल जाएगा, इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा। ये हमारा वॉश एरिया है जहाँ पर हमारे प्लेट व्लेट धोए जाएंगे। और खाना तो गाइस नीचे बन रहा है, मैं उसको आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट फ्लोर में आपको नहीं, ग्राउंड फ्लोर की वीडियो में देख लिया होगा। और ये रहा हमारा कुछ इंटरेस्ट, मतलब इतना बड़ा हमारा बालकनी एरिया है। यहाँ पर देखा जाए तो बुफे का काउंटर बनेगा हम लोगों का। और ऊपर वाला छत गाइस कुछ इस प्रकार दिखता है, मतलब करकट से ढका हुआ है देखा जाए तो। देख लो कुछ ऐसा भी हुआ है, पंखे ही पंखे हैं, इधर पंखे नहीं है लेकिन उधर पंखे हैं, क्योंकि उधर ही गेस्ट खाते हैं। और हमारा प्लेट काउंटर यहाँ से शुरू होगा, वहाँ तक भाई खत्म कर देंगे, प्लेट काउंटर नहीं पूरा बुफे काउंटर। तो भाई वेट करते हैं शाम का, शाम को पूरा सीन दिखा दूंगा किस प्रकार हमारा भवन सजा हुआ है, भवन प्लस हमारा प्लेट काउंटर बुफे काउंटर जो भी है सब चीज़ें दिखा दूंगा आपको। और क्या क्या डिश बन रही है, मैंने क्या क्या मेनू में है सब चीज़ आपको बता दूंगा, वेट करो बस शाम का। और आज भाई इस तरह के टोटल रेडीमेड टेबल पर हमारा बुफे सेट लगने वाला है, देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा। लाइटिंग के कारण ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा शाम को, भाई बहुत ज़्यादा ही सामान है, इतना सारा आया हुआ है। ये लोग खा रहे खाना। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है कंप्लीट,
और पीछे का जो सेटअप है पूरा ऑलमोस्ट भाई 50% कम्प्लीट ही है। और अनिल घोड़े को देखिए सोया हुआ है बेचारा, दबा के मछली खाया है 5 पीस। अरे खाया कि नहीं 5 ठो? ना, 1 ठो। 1 ठो बोल रहा है, सुनाई दे। हाँ 1 ठो बोल रहा है। तो गाइस ये मेरे ताऊ जी है, देख लो, हुक्का पीने वाले ताऊ जी। इनको इसीलिए बस दिल्ली से मंगाया गया हम लोगों ने, आराम से हुक्का पीते हैं आराम से। इनका सारा फोटो ले लो, फोटो अच्छे ही है। तो गाइस काम धंधा तो होते रहेगा, उससे पहले आपको मैं थोड़ा मेनू दिखा देता हूँ थोड़ा फोकस करके। इसको देखिए बड़ा, इसका कोई लूट लिया है, कोई बात नहीं। मेनू देखिए, अरे भाई फोकस हो जाए, फोकस या भाई कैमरा मैन फोकस कर भाई। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, शुभ बहुभत रणवीर और मोमिता जो भी है। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले कढ़ाई सूटी कचौड़ी, फिर नवरत्न कोरमा, स्टॉप आलू दम, सैलड राई, फिश फ्राई, मटन बिरयानी, चिकन मसाला, चटनी पापड़, गुलाब जामुन, हॉट सौंदेश, आइसक्रीम पान, यही है स्टाइल कैटर की तरफ से। फाइनली गाइस आवर प्लेट काउंटर इज रेडी। I thought our pawn and ice cream counter will not be crowded, but here you can see. तो गाइस यहाँ फिलहाल हमारा जो काम धंधा कंप्लीट हो चुका है सूचना भवन में, अब भाई इसको उछा लेना है, सबको कंप्लीट करके भाई घर भी जाना है। और यहाँ अनिल भी खाने बैठ चुका है, तो लगे सब चीज को उछा लेते हैं। अब यहाँ से जाने की बारी है यार, बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी है, उसे उछा कर इस काम को कर दे कंप्लीट। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, कैटरिंग वाले या फिर नॉर्मल ब्लॉग में, जो भी बोलो।